दोस्तों गुजरात टाइटंस के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के शानदार जीत के बाद बदल गया आईपीएल 2023 का पूरा पॉइंट्स टेबल और जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स को हुआ बड़ा फायदा। तो क्या है पॉइंट्स टेबल बताएंगे हम इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन में से किसे बेहतर कप्तान मानते हैं हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आईपीएल 2023 का पूरा पॉइंट्स टेबल। दोस्तों आईपीएल 2023 का 23वां मैच गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी। गुजरात का शुरुआत ठीक ठाक रहा और गुजरात टाइटंस की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाए, जबकि गुजरात टाइटंस की तरफ से सबसे ज्यादा डेविड मिलर 46 रन बनाए। वहीं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से सबसे ज्यादा संदीप शर्मा को 2 विकेट मिला, जबकि जवाब में 177 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद ही खराब रहा। लेकिन कप्तान संजू सैमसन और सिमरन हेटमेयर ने शानदार पारी खेली और अपनी टीम को जिता दिया। तो चलिए दोस्तों नजर डालते हैं राजस्थान रॉयल्स के जीत के बाद आईपीएल 2023 के पूरे पॉइंट्स टेबल पर। दोस्तों नंबर 1 पर राजस्थान रॉयल्स की टीम है, जो 5 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल में 8 अंक अर्जित की है। वहीं दूसरे नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है, जो 5 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल में 6 अंक अर्जित कर चुकी है, जबकि तीसरे नंबर पर गुजरात टाइटंस की टीम है, जो 5 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल में 6 अंक है। वहीं नंबर 4 पर पंजाब किंग्स की टीम है, जो 5 मुकाबले खेलकर 3 मुकाबलों में जीत हासिल की है और पॉइंट्स टेबल में 6 अंक है, जबकि 5वें नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है, जो 5 मुकाबले में 2 मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल में 4 अंक अर्जित की है। वहीं 6वें नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है, जो 4 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीती है और पॉइंट्स टेबल में 4 अंक हासिल की है, जबकि 7वें नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी आरसीबी की टीम है, जो 4 मुकाबले में 2 मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल में 4 अंक अर्जित की है। वहीं 8वें नंबर पर मुंबई इंडियंस की टीम है, जो 4 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीती है और पॉइंट्स टेबल में 4 अंक है, जबकि 9वें नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है, जो 4 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल में 4 अंक अर्जित की है। वहीं 10वें नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, जो 5 मुकाबले खेलकर 1 भी मुकाबला नहीं जीती है और पॉइंट्स टेबल में 0 अंक है। दोस्तों ये था आईपीएल 2023 का पूरा पॉइंट्स टेबल। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और क्रिकेट से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।